सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम स्टोरिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपको अपने फोन के अंदर रैम को इंक्रीज करना है, मींस कि फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम आती है, अगर उस रैम को अपने रैम के साथ बढ़ाना चाहें तो इजिली बढ़ा सकते हैं। बिल चलो छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा रैम सेटिंग्स का एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर रैम को इंक्रीज करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर एक बार इसको प्रेस करके ओपन करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रैम एंड स्टोरेज का, जस्ट आपने क्लिक कर देना है रैम एंड स्टोरेज वाले पे। एंड इस टाइप से ऑप्शंस मिल जाएगा, ऊपर मिल जाता है टॉप नंबर पे रैम, एक बार रैम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे तो अभी देख सकते हो स्टैंडर्ड रैम हमारा यहाँ पर इनेबल है, मीन्स की जो हमारे फोन का रैम है उसके साथ ये रैम एड है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, मीन्स की हटा दूं, तो ये 5 सेकेंड के अंदर हमारा फोन रीस्टार्ट होगा, देन ये जो रैम हमने एक्स्ट्रा एड करी हुई है वो हट जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसको इनेबल करके रखना है। इनेबल अगर नहीं है, इनेबल करेंगे फिर भी 5 सेकंड में आपका जो ये लाइक कह सकते हो फोन है रीस्टार्ट होगा, देन एक्स्ट्रा रैम जो है आपके रैम के साथ जुड़ जाएगी। इस तरीके से आप गाइस अपने फोन के अंदर रैम को इंक्रीज कर सकते हो। आई थिंक गाइस समझोगे फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम को इंक्रीज कैसे करना था। एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है सो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।